टीम ने और सेंटर फॉरवर्ड के पास गेंद के लिए फिर उन्होंने पास आउट किया अपने सहयोगी प्लेयर को लेकिन एक्यूरेट पास नहीं हो पाया। मिस पास हुआ फिर से ग्राउंड पास किया गया है राइट फॉरवर्ड के पास। वो अपने साथी खिलाड़ी को खोज रहे हैं और इसी दरमियान में उन्होंने टॉस किया इस तरह से इस मोमेंट हुआ और राइट फॉरवर्ड के पास बाद आ गई थी बहुत ही जबरदस्त और आउटस्टैंडिंग शॉट इन्होंने लगाया और जिसके कारण गेंद सीधे टच लाइन से बाहर हो गई। एक रणनीति तैयार कर रहे थे वो भी अच्छी हो रही थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पे ऑफेंस के प्लेयर मौजूद थे जिनके पैरों में गेंद गई और इस तरह से गेंद टच लाइन से बाहर आई थी वही इंडिया के स्थान के द्वारा। और अभी दिल्ली के पास कमेटी के वॉलंटियरों से गुजारिश है कि रास्ता जाम हो चुका है इसलिए आप आके क्लियर कराएं कायदे के साथ आप आके क्लियर कराएं। दो तीन वॉलंटियरों से गुजारिश है कि आप रास्ता जो जाम हो गया है उसको खाली करवाएं। हेलो मिस्टर राजा चलत क्षेत्र के प्लेयर नीति प्रकार है देवाशीष गोलकीपर दिनेश कैप्टन राजकुमार सूरज दीपक गोलू मंगल गौतम साजर सूरज टॉमी अमर और अस्कारिया मोबी एंड बागा लकी सी और इस तरह से बहुत ही रेंज भरी शॉट लेकिन इससे पहले ही विसल बजा निर्णय कह देना शायद फिर से कुछ वहां पे प्रिकॉशन किया गया है। हेलो मिस्टर राजा जी और प्रोग्राम के टीम मैनेजर है मिस्टर मोबी का प्याम पहुंचे और पधारे होने के लिए गन को फ्री किक प्रोवाइड किया गया है हाफ लाइन से कुछ दूरी पर देखते हैं कि किस तरह से फ्री किक की गेट बड़ा भी लेती है और गोल में लंबन करती है। दोनों के हौसले काफी बुलंद है दोनों टीमों के अंदर बराबर की आ गई है। स्विंग भरी शॉट और बहुत ही लाजवाब आउटस्टैंडिंग शॉट लिया गया अभी सेंटर के द्वारा लेकिन गेंद सीधे भी चली गई थी कस्टोडियन के दास्ताने में और इस तरह से गेंद स्वीप पास करने के प्रयास लेकिन असफल और फिर से पुनः गेंद लोड आई है हाफ लाइन से कुछ दूरी पर चली गई गेंद और इस तरह से फिर से पुनः आ गई है गेंद के प्लेयर के पास लंबा सा शॉट लगाने के प्रयास लेकिन ग्राउंड थोड़ी सी अप्स एंड डाउन सिचुएशन की वजह से शॉट नहीं बन पाया। फ्लैट फुटेड शॉट का उन्होंने ट्राई किया था लेकिन फिर से बदकिस्मती रही कि गेंद सीधे डायरेक्शन लेस हुई और ऑफवर्ड शॉट किया भद्दा सा शॉट लगाया गया सीधे गोल लाइन से बाहर चली गई तो फिर से पुनः ग्राउंड में लौट आई हेड क्लियर करने की कोशिश अननेचुरल हाई जंप लेकिन इसी दरमियान में फिर से स्टॉपर के द्वारा लेकिन लेफ्ट फॉरवर्ड के पास अभी भी गेंद चली गई है छोटा सा पास 3 पॉइंट पास लेकिन इससे पहले की शेर के मारे झटके अपोजिशन टीम के स्टॉपर राइट और जिन्होंने गोल पर पेपर से मिल गया और इंटेंशनली फिर से टच लाइन से बाहर कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया रियासत साहब का जो कि इन्होंने आज आपके कीर्तिमान रचा अपने ड्रोन का इन्होंने प्रदर्शन किया जेट फाइटर प्लेन का प्रदर्शन किया और अपनी कला को वहां पे बिखेरा। मैं चाहता हूं कि आप इससे बढ़कर और कला को बिखेरते रहे और हमारे जिले का नाम का हमारे जिले का नाम आप रोशन करें और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ कि आप इसी तरह अपनी मुस्तकबिल में कामयाबी से कदम चूमें और फिर से प्रदर्शन किया जाएगा। दर्शकों से गुजारिश है कि आप बने रहे और बच्चों से गुजारिश है कि उनका पीछा ना करें भाई वो एक कलाकार है उनकी कला को आप फिर लेते और हौसला अफजाई करें उनको और उनको सराहें ताकि वो इस तरह से अपनी कला को बिखेरते रहे हर जगह। जैसा कि इससे पूर्व मैंने बताया कि इन इन जगहों में हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली IIT खड़गपुर और IIT मुंबई में जो 2020 में इंटरनेशनल फेस्टिवल का आयोजन होगा वहां पे ये पार्टिसिपेट करने के लिए जाएंगे तो ये बड़ी खुशखबरी की बात है। हम सब सबसे लाइटली और हल्के तौर पर ना लें बल्कि इसे कोशिश करें दिल से इनको दुआ दें चूंकि छोटे ही छोटे टीम के मिलकर वो फिर मकान तैयार हो जाता है और बारिश की बूंदों को रोक लेती है। इसी तरह आज छोटी चीज को इन्होंने प्रस्तुत किया है आने वाला दिन में ये रियल चीज में ये कन्वर्ट हो जाए और प्लेन का आविष्कार इस तरह से करे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए ग्राउंड को रोक करते हैं फिर यहाँ पे चेस्ट का इस्तेमाल किया गया था लेकिन वहाँ पे फ्री किक फिर से प्रोवाइड किया गया फॉल करार दिया गया निर्णायक जाजा लिंग के द्वारा। बहुत ही खूबसूरत वातावरण के दरमियान में
आज का फाइनल समारोह चलता हुआ इस ऐतिहासिक स्टेडियम से लगातार में जहाँ पे काफी संख्या में दर्शक आ जाए हुए हैं और इस स्टेडियम की सुंदरता भी देखते देखते ही बनती है क्योंकि हमारे ठीक ही ग्राउंड से पीछे की ओर जीटी रोड और इसे दरमियान में बहुत लंबा सा शॉट लिया गया था लेकिन शॉट था नपा तुला डिविएशन भरी शॉट थी लेकिन गोलकीपर स्वयं आकर अपने हाथों का पंच लिया और गोल को इन्होंने फिर आगे के लिए प्रोसेस किया और इसी दरमियान में फिर एक लंबा सा पास लेफ्ट फॉरवर्ड के पास खिलाई है वो अपने साथी खिलाड़ी को खोज रहे हैं और इस तरह से बिल्कुल पास आउट किया सेंट्रल फॉरवर्ड ने रवि मोहिनी के पास बहुत ही लाजवाब कॉम्बिनेशन बिल्कुल नाइस कॉम्बिनेशन के साथ दोनों टीमें खेल रही है कोई लैगनेस नहीं दिख रही है कोई गड़बड़ी नहीं दिख रही बहुत हेस्टिक मोमेंट नहीं है बिल्कुल पीसफुली वातावरण के दरमियान में फुटबॉल खेलते हुए और इस तरह से बहुत ही लंबा सा शॉट लिया और एक बार फिर किस्मत रही कि गेंद बहुत क्लोज सिचुएशन बना था और गेंद सीधे गोल बाहर से बाहर चली गई अन्यथा गोल हो सकता था और इस तरह से खेल बाढ़ की टीम विजय हो जाती लेकिन फिर से बदकिस्मत रही और इस तरह से पुनः फिर लौट कर गेंद आ गई थी बेड़ा के प्लेयर के पास हेडर क्लियरेंस मैन स्टॉपर के द्वारा और फिर से फॉरवर्ड के द्वारा हेड लेने का प्रयास लेकिन ग्राउंड का पास आया है और अपने सहयोग प्लेयर में लेने की कोशिश लेकिन इससे पहले की अपोजिशन टीम के प्लेयर आए और गेंद पर छक्का मारा और अपने कब्जे में लिया वो अपने साथी खिलाड़ी को पास आउट करने की कोशिश लेकिन तो इसी कॉम्बिनेशन में गड़बड़ी और इस तरह से पास किया गया था आउट बॉक्स के अंदर गई थी गेंद लेकिन फिर से क्लेवरिटी के अंदाज में लेफ्ट स्टॉपर ने बॉल को जोरदार किक ऑफ किया और गेंद सीधे हाफ लाइन से बहुत दूरी पर आ गई थी। प्रिय दर्शकों इस स्टेडियम की सुंदरता देखते ही बनती है ठीक हमारे स्टेडियम के पीछे जीटी रोड ग्रैंड रोड जिसका निर्माण शेर शाह सूरी ने किया था इनका से नाम खरीद था ये रोड कोलकाता से दिल्ली को जाती है जिसकी लंबाई तकरीबन 1854 किलोमीटर मानी जाती है और फिर ये NH33 में जाकर कन्वर्ट हो जाती है और इस तरह से नॉर्थ की और शिमला टाल बस्ती है जो लोकेशन और लोकेटेड है और मैदान के पूर्वी छोर में काशी टाल बस्ती इस दरमियान में लंबा सा शॉट लिया गया स्टॉपर के द्वारा लेकिन हेडर क्लियरेंस बहुत ही नाइस हेडर क्लियरेंस और इस तरह से चांसेस क्रिएट हुआ था कमर्शियल शॉट हो ब्रॉडिंग दिया गया पहला हाथ से मसी स्टेडियम में तालियों के अगला हाथ से तीन फिर बेड़ा का इस्तेमाल किया जा रहा है कि डोमिनेटिंग कैरेक्टर आप दिखाएं डगआउट में भी काफी खुशी छाई हुई है दर्शकों से खुशाकर स्टेडियम भरा हुआ है दीवार के मानेंगे स्टेडियम के चारों दिशाओं में दर्शक और साथ ही साथ खवातीन हजार की कसर तादाद में तशरीफ फरमाए छतों से इस फुटबॉल फाइनल का मुजाहरा कर रही है और उन्होंने सारे पेरियर को आज तोड़ दिया है कि मैं भी आज फुटबॉल देखूंगा तो ये भी यहीं से कम नहीं बिल्कुल और डिविएशन वाली शॉट लगाने का प्रयास लेकिन अनफॉर्चुनेटली गेंद एक बार फिर ऑकवर्ड शॉट लगी यानी दिशाहीन शॉट और गेंद सीधे से बाहर चले गए। प्रिय दर्शकों काफी संख्या में दर्शक आज यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ रीजन और क्षेत्र से आए हुए हैं ये बड़ी खुशी की बात है चूंकि सोमवार का दिन जो होता है अमूमन वर्किंग डे होता है इसके बावजूद भी इन्होंने कमेटी का सहयोग किया और बहुत सराहनीय सहयोग कदम उठाया है तमाम दर्शकों ने की तमाम कामों को इन्होंने साइड में रख के आज फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल देखने के लिए इसी में राइट फॉरवर्ड के पास गेंद गई थी लेकिन हल्की सी टच हुई है कॉर्नर कंसीड किया गया है ये क्रेडिट फिर से गिट्टी बेड़ा की टीम को मिली है। आज का मैक्सिमम टेम्परेचर 29.5 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम 24.5 डिग्री सेल्सियस जो कि बहुत ही अनुकूल वातावरण के दरमियान में इस शिमला टाल के ऐतिहासिक स्टेडियम में चलता हुआ बिल्कुल अनुकूलित माहौल और बिल्कुल सुसज्जित वे से टूर्नामेंट का फाइनल समारोह तमाम दर्शकों को देखने को मिल रहा है और बड़ी खुशखबरी की बात है कि आज के मुख्य अतिथि माननीय